सर्वे के मुताबिक 50% डायबिटिक पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी रहती है। और जब हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर लेवल है, तो इन दोनों चीज़ों को रेगुलरली मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड शुगर की मशीन के बारे में तो हम जानते हैं, आज हम ब्लड प्रेशर की मशीन के बारे में बातचीत करेंगे कि कौन सी वो मशीन है जो आपको एक्यूरेटली ये बताएगी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है और आप उसको डेली मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सी वो मशीन है जो एक्यूरेटली ब्लड प्रेशर मेजर करके हमें बताती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। जब आपको ब्लड प्रेशर नापना हो अपना, तो आपके पास में दो तरीके हैं। एक तो कि जो वो ऑटोमेटिक मशीन आती है कि आपने कफ को हाथ में बांधा और बटन दबाया और फटाफट घूर घूर करके उसमें कुछ आवाज़ आई और उसने दो रीडिंग जो है उसमें दिखा दी, ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। तो वो आपने ब्लड प्रेशर की वैल्यू देख ली, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो 5 से 10% तक का वेरिएशन देता है, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती हमें। और उसमें ये भी देखा गया कि आप अभी ब्लड प्रेशर नापो तो कुछ और वैल्यू दिखेगा, दोबारा ब्लड प्रेशर नापो तो कुछ और वैल्यू दिखेगा, थोड़ी देर बाद में कुछ और नापो तो कुछ और वैल्यू दिखेगा। तो ब्लड प्रेशर हर बार डिफरेंट आता है। तो कौन सा मेथड है, कौन सी मशीन है जो एक्यूरेटली ब्लड प्रेशर मेज़र करने में हेल्प करती है? वो है मैनुअल बीपी मशीन, जो हाथ से किया जाता है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, और वो कफ लगा के, वो कान में स्टेथोस्कोप लगा के, ऐसे वो प्रेशर बना बना के जो देखते हैं, वो वाला जो ब्लड प्रेशर नापने का तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका है। और वो आसानी से आप अपने आप घर में भी सीख सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार क्लिनिक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड आप बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। आज हम आपको यही मेथड सिखाएंगे, क्योंकि जो मशीन है ये बेस्ट है और इसकी जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो एकदम एक्यूरेट रहती है। तो कौन सा लें इसमें? तो इसमें मैनुअल में भी दो टाइप की मशीन आती हैं। एक तो जैसे आप ऑनलाइन देखेंगे कि बीपी मैनुअल मशीन, ऐसे कुछ टाइप करेंगे, ये अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप उसको ले सकते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे मैनुअल बीपी मशीन तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दो तरीके के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक तो आप ये देखेंगे कि जिसमें कफ लगा हुआ है और एक मीटर लगा हुआ है, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि जिसमें ये ऐसे लोहे का डब्बा जैसा दिखाई देता है और मरकरी का उसमें यूनिट्स लगी हुई हैं, मरकरी वाला एक स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, जो बीपी मशीन है उसका साइंटिफिक नेम है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है? तो मेरी जो पहली चॉइस है वो है कि जो मेटल वाला होता है जिसमें मरकरी रहती है, ये बेस्ट चॉइस है। अगर आपका ट्रैवलिंग है और आपको लेके जाना है तो वो थोड़ा बल्की हो जाता है, तो आप दूसरा वाला भी ले सकते हैं जिसमें मीटर लगा हुआ होता है, लेकिन मेरी जो पहली पसंद है वो है कि हम मरकरी वाला लें। तो मरकरी वाला जब आप ये लेंगे, जो मीटर है ये, तो इसको यूज़ करना बड़ा आसान है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि राइट हैंड साइड पे इसको बांधते हैं पहले कफ को, तो उसमें आपको दो एरो दिखाई देंगे। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें ये दो एरो हैं, आप ये राइट हैंड साइड के लिए अलग है और लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग है। तो अगर राइट हैंड साइड पे बांध रहे हैं तो ये एरो आपकी एल्बो के पास में, जब हम इसको फ्रंट में ऐसे करते हैं तो जो ये एल्बो का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर हमें इसको ये एरो लगा होना चाहिए, और जब हम लेफ्ट में करते हैं तो लेफ्ट वाला एरो उसके पास में होना चाहिए। तो लेफ्ट और राइट दोनों से कर सकते हैं, बट जनरली जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो लेफ्ट वाले से ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। तो अब आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो इसका जो कफ है, कफ को आप ऐसे हाथ के अंदर डाल लेंगे और फिर उसके बाद आप इसको टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद फिर आप इसमें मशीन में देखेंगे
कि मशीन में ये दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये काला सा डब्बा दिखाई दे रहा है और ये जो ऑन ऑफ का लिखा हुआ है। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो ही आप जब इसमें प्रेशर पुल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे और बिना ऑन करें, मान लीजिए देखिए मैंने ये ऑफ़ किया हुआ है और मैं इसमें प्रेशर भरूंगा तो आपको इसमें कुछ भी जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करके इसमें प्रेशर डालता हुआ दिखाई दूंगा तो आप देखेंगे कि ये ऊपर जा रहा है। तो जब आप इसमें ऑन करेंगे तभी ये जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है कि ये कफ़ बांध लेना है और हमें इसको ऑन करके फिर उसके बाद में इसमें एयर प्रेशर भरना हम चालू करेंगे। और जब आप प्रेशर भरेंगे तो जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा। वो मर्क्यूरी का जो लेवल है हमें 180 के आसपास लेके जाना है। जब 180 के लेवल पे आप चला जाएगा तो जो स्टेथोस्कोप है, जो सुनने वाला है, उसको कान में लगा के और आप ये जो पोजीशन है, जैसे ये एल्बो दिख रही है, इस वाली पोजीशन पे लगाएंगे। यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है और ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू आप साउंड सुनेंगे। तो जब वो 180-190 उस लेवल पे जाता है तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। फिर जो इसमें एक नॉब है जिसको आप ये घुमाएंगे, नॉब को घुमा के धीरे धीरे से प्रेशर, जब इसकी हवा आप निकालेंगे तो ये 180 से नीचे आने लगा, 170, 160, 150 और सपोज़ कीजिए 140 पे जैसे ही पहुंचा तो आपको डब 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 ऐसे हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो उसको हम कहेंगे ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है। फिर आप उसको और छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आएगा, वो 100 पे आएगा, 90 पे आएगा और मान लीजिए 90 पे आके वो आवाज़ आनी फिर बंद हो गई। तो जहाँ पे आवाज़ आनी बंद हो गई वो हो गया आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर, उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जहाँ पे आवाज़ आनी शुरू हुई थी वो हो गया आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। तो 140/90 इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर को आसानी से घर में नाप सकते हैं। सबसे एक्यूरेट मेथड है और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप घर में सीख सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कई बार ट्रबल होता है मर्करी वाले में कि जब आप इसको ऑफ करना भूल जाएं तो मर्करी जो है ऊपर नीचे हो के आप क्या करेंगे कि फ्रेगमेंट बन जाते हैं कि एक पॉइंट ऊपर दिखा फिर बीच में हवा आ गई एक पॉइंट नीचे। तो उस केस में क्या करें, क्योंकि ये तो डिफरेंट है तो आपको वैल्यू सही मिलेगी नहीं कि वो ब्रोकन दिख रहा है जो मर्क्यूरी का लाइन है। तो उस केस में आप क्या करें कि इसको ऑन करके थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लें, थोड़ा सा आप इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे और टेढ़ा करके फिर इसको ऑफ कर देंगे। तो ऑफ करेंगे तो ये जो मर्क्यूरी है सारा एक जगह कंडेंस हो जाएगा, फिर इसको ऑन करेंगे तो सारा इकट्ठा होकर वो आपका चलेगा। तो ब्लड प्रेशर आप आसानी से इसको अपने घर में मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, अगर किसी को ऑलरेडी आईवी फ्लूइड वगैरह लगा हुआ है, मान लीजिए कोई लेटा हुआ है और आईवी फ्लूइड लगा हुआ है घर पे ही है मान लो पेशेंट, तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं नापें आप। जब फ्लूइड निकल जाए तो उसके बाद आप बीपी नापें, आईवी फ्लूइड चल रहा हो तो उसमें आप ब्लड प्रेशर ना नापें, या किसी दूसरी आर्म में नापें, मान लीजिए लेफ्ट में लगा है तो आप राइट में नाप लें, ऐसे कर सकते हैं। पर आप अवॉइड करें बेसिकली, अगर कोई भी आईवी फ्लूइड चल रहा है तो आप उसको ना लगा ब्लड प्रेशर को ना नापें। तो ब्लड प्रेशर को जो नापने की जो टेक्निक है ये बड़ी आसान है और ऐसा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। जैसे कि जो एक कफ वाला जो ब्लड प्रेशर की मशीन है आप ऑनलाइन देखेंगे तो 1000-1200 रुपए की आ जाती है। ऐसे ही जो सुनने वाला मशीन है जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं ये भी 1000-1200 रुपए का आ जाता है। और जो ये मेटल वाली जो मशीन है ये अराउंड 2000-2500 रुपए के आसपास की कुछ रेंज में आती है। तो जो आपको सुटेबल लगे, मेरी चॉइस ये है कि मेटल वाली हम मशीन लें, ये 2500-2500 रुपए वाली, और ये 1000-1500 रुपए के बीच का स्टेथोस्कोप ही ठीक रहता है क्योंकि आपको कम यूज़ करना है, रेगुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है आपका, खाली ब्लड प्रेशर नापने के लिए है। तो ये जो स्टेथोस्कोप है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये स्टेथोस्कोप और ये स्फिग्नोमैनोमीटर, ये जो मशीन का जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट है और ये एक्यूरेटली आपको ब्लड प्रेशर की रीडिंग देगा। अब अगर मान लीजिए आपने ये ले लिया मशीन का सिस्टम और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायबेक्सी की वेबसाइट पे जाएं। डायबेक्सी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको बुक अ फ्री कंसल्टेशन दिखाई देगा। उस बुक अ फ्री कंसल्टेशन में आप अपना टाइम डेट सेलेक्ट करके वहाँ पे उसको आप सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ से डायबेक्सी के ऑफिस से आपको कॉल जाएगा और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लड प्रेशर नापने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर डाइटिशियन की ज़रूरत है, आपको डाइट क्या खानी चाहिए, आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज हो जाएंगी। बुक अ फ्री कंसल्टेशन।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, ये आप देखेंगे तो वेबसाइट पे है और वहाँ पे जाके आप आसानी से डायवेक्सी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं तो भी नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, नीचे आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और आप बातचीत कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो एक्यूरेट मेथड है वो है मैनुअल मेथड, और मैनुअल मेथड बहुत ही आसान है। आप आसानी से अपने आप घर में अपना ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। इनफैक्ट आप घर के जितने भी मेंबर हैं उन्हें भी ब्लड प्रेशर नापना सिखा सकते हैं। तो उम्मीद है आज आपने ब्लड प्रेशर को मैन्युअली कैसे मेज़र करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए सबसे बेस्ट मशीन कौन सी है, ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू।